क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. sec थीटा की वैल्यू दी और बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ओके, सो सॉल्यूशन में हम पहले वापस से यही रिपीट कर लेते हैं. गिवन क्या है हमारे पास, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12. 13/ sec थीटा क्या होता है, हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस. ओके, हम यहाँ पे पीछे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर. तो हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा कितना, पी आर, ठीक है, और बेस कितना हो जाएगा हमारा पी क्यू. ठीक है, हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर. ठीक है, पी क्यू आर में हमारा पी क्यू कितना है 12 के, ठीक है, और हमारा पी आर कितना हो गया 13 के. अब हमारे पास फिर से दो वैल्यूज गिवन है, थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है. थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का हम इसमें यूज़ करते हैं. तो ये हो जाएगा आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर. पी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है पी आर की. ठीक है, ये हमारे पास आर क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. पी क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है 12, तो हमने यहाँ पुट अप कर दी 12 के स्क्वायर. पी आर कितना है हमारा 13 के स्क्वायर. 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 144, तो ये हो गया 144 के स्क्वायर. 12 का होता है 144 के स्क्वायर और 13 का हो गया हमारा 169 के स्क्वायर. अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 169 के स्क्वायर में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 144 के स्क्वायर को. कितना बच जाएगा हमारे पास 25 के स्क्वायर. तो आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 के. एक हमारी वैल्यू और आ गई, हमारे पास तीनों साइड आ गई. तो हमें क्या फाइंड करने थे इसमें, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने थे. सेक की वैल्यू दी थी और बाकी की फाइंड करनी थी. ठीक है, तो साइन क्या होता है हमारा, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास, अभी हमने फाइंड कर लिया, तो कितना आ गया 5 के और हाइपोटेनियस कितना है 13 के. तो ये कितना हो जाएगा 5/13. कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 12/13 इज इक्वल टू 12/13. टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा की मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी आगे, इसकी क्वेश्चन रिलेशन बताया था मैंने आपको, वो होता है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं वैल्यूज को. साइन की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 5/13 और कॉस की आई थी हमारी कितनी 12/13, हमने पुट कर दी वैल्यू. अभी डिवाइड की टर्म है, ऊपर आएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगी तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा हमारा. 13 से क्या हो जाएगा 13 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास 5/12. ठीक है, अब हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, हमारी तीन वैल्यूज आ गई. अब हमारा बचा कॉसेक थीटा. ठीक है, कॉसेक थीटा क्या होता है हमारा, हमने यहाँ पे रिलेशन पढ़ा था, तो कॉसेक थीटा होता है हमारा 1/sin थीटा, मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू पुटअप कर दें, कितनी हमारी साइन थीटा की वैल्यू 5/13 थी. ठीक है, 1 के अपॉन में हम 5/13 को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 13/5. और कॉट थीटा क्या होता है हमारा 1/tan थीटा, तो हमारा कॉट थीटा मतलब कि हमारा टेन थीटा कितना आया था यहाँ पर, अभी हमने फाइंड किया था 5/12. तो 1 के अपॉन में लिखेंगे अगर हम 5/12 को, तो वो क्या हो जाएगा 12/5. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसमें क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी. तो हमने क्या कर लिया, एक एक्यूट एंगल से हमारे ए और बी ये बना लिया. ए और बी एक्यूट है, मतलब सी क्या हो जाएगा हमारा राइट एंगल हो जाएगा. तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया. ठीक है, और क्या दिया था हमें, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, तो हमने लिख दिया कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी. तो कॉस क्या होता है हमारा, कॉस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, हाइपोटेनियस तो हमारा क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन, तो ये हमारा देखो बेस क्या है हमारा ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, ये लिख दिया हमने ए सी और ये हमारा कितना है हाइपोटेनियस ए बी. यहाँ पे अगर हम इसको रिफ्लेक्स एंगल को चेंज कर दें, बी कर दें, तो ये कितना हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी. ठीक है, अब ये ए सी अपॉन ए बी और बी सी अपॉन ए बी है, तो ये बेस सेम है दोनों के, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू बी सी. ठीक है, अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया, मतलब कि इसकी थर्ड साइड भी इक्वल हो गई, तो इसमें आने वाले अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल. ये दोनों अपोजिट एंगल है, ये भी इक्वल हो जाएंगे, सिंस इन अ राइट एंगल ट्राइंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये हमने लास्ट ईयर एक थ्योरम भी पढ़ी थी. ठीक है, उससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है हमारा, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट 1+sin थीटा 1-sin थीटा अपॉन 1+cos थीटा 1-cos थीटा. फर्स्ट कंडीशन हमें ये सॉल्व करके इवेल्युएट, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और सेकंड हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट स्क्वायर थीटा की. ठीक है, गिवन पहले हमने लिख लिया कॉट थीटा कितना है हमारा 7/8. कॉट क्या होता है हमारा, कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, तो हमारा ये दिया है बेस अपॉन, हमारी बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब 7, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.
जब भी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमें इस फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक कॉन्स्टेंट टर्म के साथ इसको लेट करेंगे, तो हमने लेट कर दिया। लेट बेस कितना हो गया हमारा 7k और परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 8k, ठीक है। वेयर k क्या है हमारा, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। फिर हमने क्या कर लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया पी क्यू आर, और राइट एंगल क्या ले लिया हमने उस पर क्यू। इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग पी जी टी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 7k, सो 7k स्क्वायर, बेस इज 8k, सो 8k स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज क्या होता है हमारा 49k स्क्वायर, 8 क्या हो गया 64k स्क्वायर। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 113k स्क्वायर। अब हम जब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एच कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 113 पे रूट लग जाएगा, रूट 113k। ओके, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है। 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, और 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस ए की। तो पहले हम साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर कितना है 8k, हाइपोटेनियस है हमारा कितना आ गया, हमने अभी फाइंड किया था रूट 113, तो ये कितना हो जाएगा 8 अपॉन रूट 113। एज इट इज़ हम कॉस की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो जाएगा 7 अपॉन रूट 113, ठीक है। अब हम फर्स्ट हमारी जो कंडीशन थी उसमें वैल्यूज को पुटअप करते हैं। फर्स्ट हमारी कंडीशन थी 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है। तो इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपने लास्ट ईयर पे आइडेंटिटी पढ़ी थी, हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ इन्हीं की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो हम यहाँ पे साइन की वैल्यू पुटअप करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन कितना निकाला हमने 8 अपॉन रूट 113, तो हमने वैल्यू पुटअप कर दी। कॉस की वैल्यू कितनी निकाली हमने 7 अपॉन रूट 113, तो 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113, ठीक है। तो हम जब करेंगे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और रूट 113 का हो जाएगा 113। यहाँ पे हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 और 113 माइनस 49, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 113 से हमारा 113 क्या हो गया कैंसिल। 113 में 64 को करा हमने सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ गया हमारा 49, और यहाँ पे हमने करा तो कितना आ गया 64, ठीक है। फर्स्ट का वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, इवेल्यूएट करके आ गई। सेकेंड हमें फाइंड करना था कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट की वैल्यू कितनी होती है हमारा, कॉट क्या होता है हमारा, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और बेस हो गया हमारा 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज फाइंड हो गई हमारी। अब इसी से सिमिलर हमारा 8 क्वेश्चन भी है, पर इसमें हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, बताना है कि ये इक्वल है कि नहीं। क्वेश्चन है हमारा इफ 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब कि हमें LHS और RHS को इक्वल प्रूव करना है, बताना है कि LHS और RHS इक्वल है यानी, ठीक है। गिवन 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, मैंने आपको पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन बताया था कि अगर ऐसी टर्म आ जाए तो हम 3 को इसके अपॉन में लेके आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 13। कॉट क्या होता है हमारा, कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। हम यहाँ पे कांस्टेंट लेट कर लेंगे, तो हमारा के पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट कर लिया, बेस हो गया 4k और परपेंडिकुलर हो गया 3k। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, दो साइड हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हम पहले क्या करेंगे थर्ड साइड फाइंड करेंगे, और थर्ड साइड किससे फाइंड करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके राइट एंगल ट्राइंगल में, ओके। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है। तो हमारी थर्ड साइड कितनी आ गई 5k, एच कितना आ गया 5k, ठीक है। हमारे पास उसमें क्वेश्चन में क्या है, टेन है, कॉस है और साइन है, तो पहले हम टेन कॉस और साइन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है हमारा, 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट हमारे पास ऑलरेडी गिवन था कितना था 4 अपॉन 3, तो टेन कितना हो जाएगा हमारा 3/4, ठीक है। कॉस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस कितना है हमारा 4k और हाइपोटेनियस कितना है हमारा 5k, तो ये कितना हो जाएगा 4/5। एज इट इज साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कितना हो जाएगा 3k/5k, मतलब हो जाएगा 3/5। अब हम पहले LHS लेके सॉल्व करते हैं, हमारी LHS लेके सॉल्व करते हैं।
और LHS और RHS को देखते हैं कि दोनों इक्वल है या नहीं. तो LHS क्या है हमारी, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है. टेन की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी कितनी आई हमारी, 3 अपॉन 4, ठीक है. तो ये हो गया 1 माइनस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर. 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9 और 4 का हो गया हमारा 16. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन 16, और ये हो जाएगा 1 हमारा 1 प्लस 9 अपॉन 16. एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं हम, 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16. तो यहाँ पे हमारे 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल. 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा हमारा, 16 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7, और 16 में जब 9 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25. गिव इट टू इक्वेशन फर्स्ट. ओके, अब हम क्या ले लेते हैं इसका RHS पार्ट. RHS क्या दिया था हमें, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है. हमने कॉस और साइन की वैल्यू भी फाइंड करी अभी. कॉस की वैल्यू कितनी है हमारी, 4 अपॉन 5, तो हो जाएगा 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर. माइनस साइन की वैल्यू कितनी है हमने फाइंड करी, 3 अपॉन 5, तो हो जाएगा 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर. तो 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर मतलब हम इसको लिख सकते हैं 16 अपॉन 25 माइनस 3 अपॉन 5 मतलब 9 अपॉन 25. बेस सेम है, हम इजीली एलसीएम ले सकते हैं. ये हो जाएगा 16 माइनस 9 होल अपॉन 25. 16 अपॉन माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7. ये हो गया 7 अपॉन 25. गिव इट टू इक्वेशन सेकंड. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एलएचएस और आरएचएस हमारी सेम आ गई. दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 7 अपॉन 25. सो एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, और ये क्या हो गया हमारा हेंस प्रूफ. अब एज इट इज आप क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने की कोशिश करें. क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा. ओके, और क्वेश्चन नंबर 10 में मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि यहाँ पे आपको दिया है पी आर प्लस क्यू आर. तो आप एक वैल्यू को लेट कर लीजिएगा एक्स और दूसरी को लेट कर लीजिएगा वाई, और इसको एक इक्वेशन दे दीजिएगा. फिर जैसे हमने बाकी क्वेश्चन करे एज इट इज आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. ओके,